एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। तो जब मैंने यहाँ कैपेसिटर लगाया, मैंने नीचे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं ये कह रहा हूँ कि इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का मतलब कि ईएमएफ को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से चेंज कर रहा हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि कैपेसिटर इसमें से कितने करंट को पास करवाता है। मैंने आपको ये डीसी में सिखाया था जब कैपेसिटर स्टडी किया था कि कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो डीसी को करता है। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है, जो करंट है उसकी डेफिनेशन है आई इज डी क्यू बाई डी टी। जब करंट कांस्टेंट है, डीसी बैटरी वाला है, तो चार्ज मैक्सिमम हो जाता है इसमें कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। और अगर चार्ज चेंज नहीं होता तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो, आई जीरो हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ईएमएफ चेंज हो रही है, तो वो चार्ज को चेंज करती रहेगी कैपेसिटर में। अगर चार्ज चेंज होगा तो करंट भी डेवलप होगा ही होगा, तो करंट इसमें से पास होता है। तो एसी कैपेसिटर में से पास होता है, डीसी कैपेसिटर में से पास नहीं होता। सही है, बैटरी का करंट नहीं पास होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट पास होते हैं। तो अब इसमें ये एसी लगा लिया, अब मैंने यहाँ पर क्या डेवलप कर दिया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू बाई सी। ये कहने की जरूरत नहीं है ई इज चेंजिंग विद टाइम, क्यू इज चेंजिंग विद टाइम, क्यू भी चेंजेबल है और ई भी वेरिएबल है ना सब कुछ। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली ईएमएफ मैंने ये अप्लाई की ई नॉट साइन ओमेगा टी, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली नेट ईएमएफ का सम क्या आना चाहिए, जीरो। तो कैपेसिटर की ये ईएमएफ है, हमारी ये ईएमएफ है, नेट सम जीरो, या क्यू बाई सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज आ गया। तो ये चार्ज कैपेसिटर का चार्ज है जो समय के साथ चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, क्यू भी चेंज हो रहा है, समय के साथ स्मॉल क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। तो फिर कैपेसिटर का करंट क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो तुम क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें से सी ई नॉट बाहर आ गया, क्या बचा, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा। ओमेगा आगे आ गया तो ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। यहां से इसे हाईलाइट कर लो प्लीज, बॉक्स में डाल लो। ये इंपॉर्टेंट है कि ईएमएफ साइन की फॉर्म में ली थी, साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट किसकी फॉर्म में आ गया, कॉस ओमेगा टी, माइनस नहीं है, प्लस कॉस ओमेगा टी। जब ग्राफ प्लॉट करोगे, ईएमएफ का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, साइन है, लेकिन करंट का ग्राफ, करंट का ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, कॉस है, माइनस कॉस नीचे से होता है, कॉस ऊपर से होता है, तो ये डॉटेड लाइन करंट कॉस की लाइन है। समझ में आ रहा है, वो आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी देगा पेपर के अंदर, वो आपको ऐसे देगा कि ये डॉटेड लाइन ये भी देगा और ये भी देगा, ऐसे मिक्स करके देगा, पूछेगा ये डॉटेड लाइन किसके लिए ड्रॉ की जा रही है, आप बोलोगे कैपेसिटर, ये डॉटेड लाइन किसकी, आप बोलोगे इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर माइनस कॉस है, कैपेसिटर कॉस है। तो समझ में आ रहा है, ये डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई, ई नॉट के नीचे सी ओमेगा, ई नॉट के नीचे वन बाय सी ओमेगा आ गया। इस पूरे टर्म को कॉस के आगे पूरी टर्म को पुट कर दिया आई नॉट, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करें तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा मैक्स में, तो ये करंट की मैंने वैल्यू निकाल ली साइन की फॉर्म में। हाँ, मैं माइनस में भी निकाल सकता हूँ, मैं प्लस में भी निकाल सकता हूँ, मैथ्स है, मैंने प्लस में प्रेफर किए, बताता हूँ क्यों। आप माइनस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सारी बुक्स प्लस यूज़ करती हैं, समझना इसलिए ईजी है क्योंकि ई एम एफ साइन ओमेगा टी, करंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसके अंदर ध्यान से देखो, जो करंट है वो ई एम एफ से आगे है बाई एन एंगल ऑफ 90। देखो ना, ये भी साइन ओमेगा टी से आगे 90। इंडक्टर में करंट क्या था, पीछे था, कैपेसिटर में करंट क्या है, आगे है। तो प्रूव करने को आएगा, प्रूव करो कि ईएमएफ लैग्स करंट, ईएमएफ पीछे करंट से बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, या करंट, जो करंट है लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। इंडक्टर से उल्टा रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ तक सारा करके आना है,
फिर डायग्राम में ये साइन ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी है, करंट का एंगल ओमेगा टी से आगे पाई बाय टू है, देख रहे हो ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी है और करंट का एंगल ओमेगा टी से आगे है पाई बाय टू, इस लाइन से आगे पाई बाय टू। तो तुम ये ग्राफ बना सकते हो ईएमएफ और करंट का बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? आप ऐसा भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ऐसे कर लो, इस पे लिखो ईएमएफ या करंट ऐसे, फिर आप लिखो ये ग्राफ ईएमएफ का है, ईएमएफ का वेक्टर जो है वो क्या है ओमेगा टी, और करंट का वेक्टर 90 डिग्री आगे ऐसे, ये करंट है, बस ये बना दो, एक ही बात है। मतलब किसी तरीके से समझाना है कि ईएमएफ और करंट में एंगल पाई बाय टू का फर्क है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इसमें ये वैल्यू आ गई ईएमएफ और करंट की। जब मैं ये एक्सप्रेशन कर रहा था, इम्पॉर्टेंट, मैंने इस पूरे टर्म को क्या लिखा था, आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई वन बाय सी ओमेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट इंटू वन बाय सी ओमेगा। तो ये देखो ईएमएफ इज करंट इंटू क्या, ईएमएफ इज करंट इंटू क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपिटल आर इसमें भी निगलेक्टेड है, हमने कैपिटल आर नहीं लेना इसमें, इसमें दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। जब अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और वो रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टेंस नहीं है, उसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नाम चेंज करेंगे, कन्फ्यूजन होगी नहीं तो आर को लेके। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल है एक्स सी, जिसकी वैल्यू क्या है, वन बाय सी ओमेगा। तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो कैपिटल आर है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस है, मटेरियल है, कोलिजन होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। एक्स एल इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो उसे अपोजिशन शो करती है। कैपेसिटर में एक्स सी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कैपेसिटर की कौन सी प्रॉब्लम है? इंडक्टर में तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ही है, कैपेसिटर में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। सोचो तुम यहाँ पर ये रो प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये भी प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, और मान लो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ हूँ, अप्लाइड ईएमएफ हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मैं प्रोड्यूस करूँगा, और आप सब स्टूडेंट नहीं है, आप सब चार्ज हैं, तो मैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, इस चार्ज को कह रहा हूँ चलो जी प्लेट से यहाँ आ जाओ, इसको कह रहा हूँ यहाँ पे यहाँ आ जाओ, ऑल्टरनेटिंग है ना। फिर अगले सेकंड बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं तुम एक काम करो सारे उठो यहाँ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, फिर कह रहा हूँ नहीं 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 यहाँ से उठ के यहाँ, सारा टाइम यही करता जा रहा हूँ। तो आप लॉ चेंज कर रहे हो इनर्शिया का, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है, कोई बॉडी रेस्ट भी पसंद करती है, तुम उसको जबरदस्त धक्के मारे जाओगे तुम्हें अपोजिशन शो करेगी, वो तो वो अपोज करेगी, चेंजिंग चार्ज को अपोज करेगी, चार्ज चेंज करना पसंद नहीं करता कैपेसिटर बार 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 बार, क्लियर है? तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इस प्रोसेस में, और वो वैल्यू है एक्स सी इज इक्वल टू सी ओमेगा, वन बाय सी ओमेगा। तो अगर मैं डीसी करंट पास कर दूं, चलो छोड़ो एसी, एक ही करंट पास करता हूं डीसी, डीसी में ओमेगा क्या होता है, जीरो, यहां पे जीरो पुट करोगे एक्स सी क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि डीसी करंट को कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि करंट डीसी इसमें से पास नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो पास ही नहीं हो पाएगा। तो सारे रीजंस मैच कर रहे हैं, सही है एकदम। तो ये है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली।